दयालु सामरी की कहानी। एक दिन यहूदी व्यवस्था के एक विशेषज्ञ यीशु के पास आओ। वह सबका यह दिखामा का चाहत रहो है कि यीशु गलत तरीके से शिक्षा देती। यही से वह कहिस, हे गुरु, अनंत जीवन पामा के लाने मैं का करूं? यीशु जवाब दें, परमात्मा की व्यवस्था में का लिखो है? वह मने कहिस, वह कहती कि अपने परमात्मा से अपन सारा मन, प्राण, सामर्थ और बुद्धि से प्रेम कर और अपन पड़ोसी से अपन समान प्रेम कर। यीशु जवाब दें, ते एकदम सही हस, यदि ते ऐसा करिए तो ही अनंत जीवन मिल जाई। पर वह व्यवस्था के विशेषज्ञ मने का दिखामा का चाहत रहो है कि वाखर जीवन जिए के तरीका सही ही बा। यही से वह यीशु से पूछिस, ठीक है तब मोर पड़ोसी को आए? यीशु व व्यवस्था के विशेषज्ञ मनई का एक ठे कहानी बतामा के द्वारा जवाब दें। एक ठे यहूदी मनई रहो है जौन एक ठे सड़क से होई के यरूशलेम से यरीहो की यात्रा करत रहो है। पर कुछ डाकू ओही देखिन और ओखे ऊपर हमला कर दें। उन वाखर सब कुछ लूट लेन अब वही लगभग मर जाए तक मारिन पीटिन। तब ऊ चले गए। ओखे तुरंत बाद एक ठे यहूदी याजक वह सड़क से होई के गुजरत रहो है। वह याजक व मनई का सड़क में पड़े देखिस। जब वह वही देखिस तब वह सड़क के दूसर तरफ जाके आगे बढ़ गया। वह मनई का पूरी तरह से अनदेखा कर दईस। एक बात थोड़ी समय बीते के बाद एठे लेवी व सड़क में आओ। लेवी यहूदियन के एठे गोत्र रहो है जौन मंदिर में याजक के सहायता करे करत रहो। वह लेवी भी सड़क के दूसर तरफ से निकल गा। वह भी वह मनई का अनदेखा कर दईस। और एक जन जौन वह सड़क में आओ वह सामरिया के एक ठे मनई रहो। सामरी और यहूदी एक दूसर से नफरत करत रहे हैं। वह सामरी सड़क में वह मनई का देखिस। वह देखिस कि वह यहूदी आए पर तभू भी वह ओखे ऊपर बड़ा तरस खाइस। अब वह ओखे पास गा और ओखे घाव में पट्टी बांधिस। फिर वह सामरी व मनई का अपन गधा ऊपर डालिस और वही वह सड़क से एक ठे सराय में लई गा जयमा वह वाखर देख रेख करी। अगले दिन वह सामरी का अपन यात्रा का जारी रखा के आवश्यकता रही ही। वह सराय के प्रभारी मनई का कुछ धन दईस और वह उसे कहिस, यह मनई की देखभाल करे। अगर यह धन के अलावा तुर कुछ औ खर्च हो जाई तब वापस आए के बाद मैं तुर ऊ खर्चन का भर दई हूँ। फिर यीशु वह व्यवस्था के विशेषज्ञ से पूछिन, तुम का सोचते हैं? तब वापस आए के इन तीन मनई में से कौन वह मनई के पड़ोसी हब जौन लुटरो औ पिटरो रहो है? वह जवाब दईस, वहन जौन ओखे ऊपर दया करिस। यीशु उसे कहिन, तेजा और वैसे ही कर। लुका अध्याय 10:25-37 से बाइबल की एक कहानी।